ज्वालामुखी थाना के अंतर्गत ज्वालामुखी उपमंडल की दरीन की जमुली पंचायत में शराब के ठेके को लेकर नारी शक्ति की एक बार फिर से जीत हुई है। कुछ दिन पहले शराब ठेकेदार द्वारा फिर से ठेके को खोल देने पर महिला प्रधान व महिलाओं ने इसका विरोध किया था, जिस पर ठेकेदार ने हाई कोर्ट के आदेश दिखाए थे। लेकिन पंचायत प्रधान सरोज कुमारी ने भी हाई कोर्ट से ठेके को बंद करने के आदेश लाकर ठेके को बंद ही करवा दिया। ज्वालामुखी थाना के अंतर्गत ज्वालामुखी उपमंडल की दरीन की जुमली पंचायत में शराब ठेके को लेकर नारी शक्ति की एक बार फिर से जीत हुई है। कुछ दिन पहले शराब ठेकेदार द्वारा फिर से ठेके को खोल देने पर महिला प्रधान व महिलाओं ने इसका विरोध किया था, जिस पर ठेकेदार ने हाई कोर्ट के आदेश भी दिखाए थे। लेकिन पंचायत प्रधान सरोज कुमार ने भी हाई कोर्ट से ठेके को बंद करने के आदेश लाकर ठेके को बंद करवा दिया, जिससे दरीन ठेका एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आता दिख रहा है। देर शाम हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए एक्सरसाइज पुलिस की टीम ने ठेके को बंद करवा दिया। हाई कोर्ट के आदेशानुसार जुमली शराब का ठेका अब बंद कर दिया है। वो 13 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी और जो फैसला होगा उस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दरीन की जुमली पंचायत में प्रधान सरोज देवी का आरोप है कि शराब ठेकेदार ने उसी बिल्डिंग में दोबारा ठेके की दूसरी दिशा में खोल दिया है, जिसके कि गांव का माहौल खराब हो रहा है। इस मामले को लेकर कई महीनों से विरोध चलता आ रहा था। इस मामले में महिला प्रधान व अन्य महिलाओं पर भी केस दर्ज हो चुके हैं। महिलाएं और गांववासी पहले भी विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और SDM ज्वालामुखी को ठेका न खोलने के लिए ज्ञापन भी दिया गया था। मामला तनावपूर्ण होते ही SDM व आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से आश्वासन दिया था इस ठेके को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा और ठेकेदार को भी ठेका नहीं खोलने के आदेश दिए थे। परंतु गत दिन से ठेकेदार द्वारा ठेका फिर से खोल देने पर नारी शक्ति फिर से उग्र हो गई। DSP व थाना प्रभारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए जुमली ठेके को आगामी आदेशों तक बंद करवा दिया गया है। वो जो आगामी फैसला होगा वो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मामले की पुष्टि करते हुए DSP तिलकराज ने बताया कि ठेके के ठेकेदार ने हाईकोर्ट के ठेके को खोलने के आदेश लाए हैं। जब ये ठेका खुला था उसके विरोध में जो है यहाँ महिला मंडल थे जो विरोध में बैठे हुए थे, उनका ये मानना था कि ये चौक है, यहाँ पे हमारे जो 5-7 गांव के लोग हैं आके बसेस लेते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये चौक जो है ठेका खोलने के लिए ठीक नहीं था। तो हमने जो बैंडर्स हैं उनसे बात की थी कि इस ठेके को शिफ्ट कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसी बात मानी नहीं। फिर हमने DC से ऑर्डर लेके आए थे कि यहाँ पे स्टेटस को लगा हुआ था कि जब तक कोई आगे फैसला नहीं होता यहाँ से, मतलब जुमली में ठेका जो प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे स्टेटस को लगाया हुआ था। आफ्टर दैट 4 महीने बाद इन्होंने फिर सेम लोकेशन पे जो है ठेका खोल दिया। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर्स हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हमने पढ़े हैं उसमें क्लियर ऐसा कुछ नहीं लिखा था। इन्होंने ये बात कही थी कि हमने जमुड़ी से ठेका शिफ्ट कर दिया है अदर प्लेस पे, जबकि वो ठेका शिफ्ट नहीं हुआ था और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी यही था। इन्होंने हमें मिस गाइड किया, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी यही था कि ठेका जो जमुड़ी से अनदर जगह खोला जाए, और इन्होंने उन्हें मिस गाइड किया कोर्ट को कि हमने अनदर जगह खोल दिया है, लेकिन ठेका सेम प्लेस पे था। हमने बहुत से प्रशासन को भी बात बताई, DC सर से भी गए, लेकिन कहीं भी हमें राजनीतिक दबाव के कारण कहीं भी हमें मदद नहीं मिली, जिसके कारण हमें कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से कल हमें ऑर्डर जो है वहां से मिल गए हैं कि हाँ रिट लग गई है और ये जो ठेका यहां से रन नहीं होगा। तो आज क्लोजिंग के ऑर्डर हैं, तो आज हम यहां पे ठेका क्लोज करने के लिए आए हैं और आज ये ठेका यहां से क्लोज हो गया। एक बात और है कि जनता की अवहेलना करके, मैं एक बात और कहना चाहती हूं प्रशासन से, राजनीति के जो सरकार है उनसे सबसे एक बात कहना चाहती हूं कि अगर सरकारें बनती हैं तो वो जनता द्वारा बनाई जाती हैं। जनता की अवहेलना कर किसी बात को सामने न रखा जाए। मैं इस बात को मैं दोबारा गुजारिश करना चाहती हूं कि राजनीतिक दबाव में जनता की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, जबकि हमने बहुत संघर्ष किया और बहुत दबाव झेला, बहुत थ्रेटिंग झेली इस ठेके के पीछे और आज ये क्लोजिंग के कगार पर।